हेलो गाइस, मेरा नाम है स्निड मिस्ट और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे जाके चैनल के नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए ताकि आपका मनोरंजन भी होता रहे और मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। तो चलिए इस बात पे शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो गाइज, आज के वीडियो में हम बैटल करने को लेके आए हैं फैन फेवरेट बिग बैंग पेगासस को। तो स्टिकर को थोड़ा इग्नोर कर लो, घोड़े का मुंह थोड़ा कट गया है, पर कोई बात नहीं, पेगासस एकदम ओरिजिनल है और हम बैटल में इसके मोड्स भी चेंज करेंगे। तो इसका बैटल होने वाला है ये सारे बेबलेट्स के साथ। तो हमारे पास है फैंटम ओरायन, साइथ क्रोनोस, वेरी एरिस और इलीगल कॉम्बो भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला कंटेंडर है वेरी एरिस और चालू करते हैं इस बैटल को। 3 2 1 हो जाए शुरू। और पेगासस हमारा धीरे धीरे फ्लावर पैटर्न करता हुआ, अरे जबरदस्त हिट। यहाँ पे वेरी एरिस का पूरा स्टैमिना खा गया है पेगासस और हमें फाइनल ड्राइव देखने मिल सकता है अभी किसी भी वक्त। बहुत क्लोज है, एकदम क्लोज। वेरी एरिस के डिफेंसिव शील्ड बाहर आ गए हैं। बिग बैंग पेगासस अभी भी फाइनल ड्राइव में गया नहीं और ये फाइनल ड्राइव एक्टिवेटेड और वो जो बड़ा अटैक था उसमें वेरी एरिस के छक्के छूट गए थे एक्चुअली, और इसी के साथ वेरी एरिस हार जाता है। तो अब राउंड टू के लिए वेरी एरिस का एंटी क्लॉकवाइज जो कि लेफ्ट रोटेशन ट्राई करते हैं। 3 2 1 हो जाए शुरू। तो अब ये वेरियरिस लेफ्ट में है, पेगासस अटैक तो नहीं कर रहे यहाँ पे, बट देखते हैं। फाइनल ड्राइव में भी एक स्पिन स्टीलिंग कैपेसिटी तो है ही, तो इसके लिए ये बैटल काफी दिलचस्प होगा। और यहाँ पे एकदम कम कांटेक्ट और बहुत ही ज्यादा स्लो पेस्ड बैटल है अभी। अरे बाप रे, उड़ा दिया पहले शॉट में। वेरियरिस काफी हल्का है मेरे हिसाब से, मतलब मैं इतना भी जानकार नहीं हूं मेटल फाइट के बारे में, पर हाँ शायद वेरी एरिस मुझे हल्का लगता है ओवरऑल। तो यहाँ पे अभी स्पिन स्टील का होगा, तो कौन अच्छा स्पिन स्टील करता है ये बस वक्त ही बता सकता है हमें। और यहाँ पे पेगासस धीरे होके गिर गया। तो एक बार लास्ट राउंड करते हैं। 3 2 1 हो जाए शुरू। देखने को कि फाइनल विजेता कौन है। पेगासस काफी धीरे ही धीरे, मतलब अपने अटैक्स दिखा नहीं रहा वो। एक्चुअली रबर जो उसका बाहर आता है तो वो एक आरएसएफ टाइप मोड है, तो इसमें वो इतना एग्रेसिव नहीं होगा और काफी स्टैमिना ओरिएंटेड कॉम्बो है। मतलब वो रबर ग्रिप तो देता है पर फिर वो अटैक पावर बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है वहां पे। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है। फाइनल ड्राइव के एक्टिवेशन के लिए बस रुके है और यहाँ पे फाइनल ड्राइव एक्टिवेट हो चुका है। बहुत ज्यादा अटैक्स मिस हो गए और पेगासस एकदम ठंडा होके स्टेडियम के बीचों बीच आ गया है। यहां पे स्पिन स्टील की पूरी कोशिश और ये काफी क्लोज और पेगासस यहां पे जीत गए। तो सेकेंड कंटेंडर है हमारे फेमस फैंटम ओरायन। तो चालू करते हैं। 3 2 1 हो जाए शुरू। अरे बाप रे, जबरदस्त अटैक था ये। पेगासस अपने सबसे पावरफुल अटैक मोड में है अब। मैंने उसका सब कुछ जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर उसके 3 विंग्स पे डाला है, तो अभी मेरे हिसाब से पेगासस काफी अच्छे अटैक पावर में होने चाहिए। अभी फाइनल ड्राइव किक इन हो गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट शॉट, सेकेंड, थर्ड। शायद फैंटम ओरायन को तो नहीं हरा पाएंगे, मतलब फैंटम ओरायन को हराना यार बच्चों की बात है नहीं। तो बेबलेट का स्टैमिना कुछ अलग ही गजब का है और यहाँ पे पेगासस लुढ़क गए। तो चालू करते हैं राउंड टू। 3 2 1 हो जाए शुरू। एग्जैक्टली, फैंटम ओरायन को हराना ये कतई पॉसिबल है नहीं। वेरियरिस को हराना ठीक था, फैंटम ओरायन को अगर ऐसे ही देखते रहेंगे तो फाइनल ड्राइव में भी कुछ नहीं होगा। और मतलब बस यार, फैंटम ओरायन एक अलग चीज है, मतलब आप उसको एक नॉर्मल वेवलेट से कंपेयर नहीं कर सकते। वो वेवलेट बहुत ही ज्यादा
स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा आप बोलते हैं स्टैमिना ओरिएंटेड है, मतलब अटैक खाने के बावजूद वो अपने स्टैमिना को मेंटेन करता है। और यहाँ पे फाइनल ड्राइव किक इन होता है, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है फैंटम ओरायन पे। फैंटम ओरायन एकदम मस्त ठंडे की तरह सब हिट्स लेके पेगासस को चल साइड निकल बोल के खत्म कर दिया। हमारे सेकंड लास्ट कंपेटिटर साइथ क्रोनोस, इनके साथ मैं एक ही बैटल करूंगा, क्योंकि साइथ क्रोनोस का अगर एक बैटल भी साइथ क्रोनोस जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं है पेगासस से बैटल करवाने का। ओहो ये नॉकआउट था यार, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, साइथ क्रोनोस को तो यार पेगासस घुमा रहे है। ये बैटल काफी दिलचस्प दिलचस्प लग रहा है, मतलब मुझे लगा नहीं था ये बैटल इतना दिलचस्प होगा, बट हाँ है। अब क्या पेगासस का तो हो गया, साइथ क्रोनस इतने सारे आप देखा यहाँ वहाँ उड़ के स्टेडियम को वॉल के लग के वापस आके भी साइथ क्रोनस का स्टैमिना बरकरार है, और यहाँ पे पेगासस पूरी तरह से झुलस चुके हैं। और ये अरे वाह, स्टैंडिंग ओवेशन टू साइथ क्रोनस। तो भाई एक और राउंड कर ही लेते हैं। अरे रे साइथ क्रोनस को भेज दिया अलग ही गैलेक्सी में यहाँ पे, मतलब पूरा स्टैमिना यार खत्म कर दिया साइथ क्रोनस का, खतरनाक है यार पेगासस ये तो। यार ये नहीं एक्सपेक्टेड था पेगासस से, मतलब काफी दिल जीत लिया यहाँ पे पेगासस ने, और एक और राउंड भी। तो चाली करते चलिए चालू करते आखिरी राउंड। अब क्या पेगासस वही वापस कमाल दिखा पाएंगे? लग तो नहीं रहा। अब पेगासस शांति से सेंटर में आ गया यार, लॉन्च तो मैं वही कर रहा हूं, क्या ही अलग कर रहा हूं मैं लॉन्च में। अब पेगासस नहीं फाइनल सरवाइव कर पा रहे, और हो गया खत्म, फाइनल ड्राइव पे आ गए। अब गलती से फाइनल सरवाइव बोल दिया, फाइनल ड्राइव पे आ गए और बस यार हो गया लुढ़क गए। तो भाई बचे अब हम इलीगल कॉम्बो के पास, इलीगल कॉम्बो के बाद तो यार बात ही कुछ अलग है। बाप रे पेगासस यहां वहां उड़ रहा है बस, अरे बाप रे। नहीं यार इलीगल कॉम्बो बहुत ही खतरनाक है, मतलब पेगासस कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे। अरे रे रे रे, रे। कॉम्बो थक तो रहा है पेगासस, शायद जीत जाए। नहीं, ये तो गलत कह दिया मैंने। तो यार चलो एक फन बैटल कर लेते हैं, इलीगल कॉम्बो वर्सेस ऑल द फोर वेवलेट्स। चलो यार वेरी एरिस तो उड़ गया स्टेडियम के बाहर, फैंटम ओरायन को मैं नहीं डालूंगा इसमें, और बेरिंग की मुझे बहुत चिंता है। अरे रे रे रे, ये क्या, ये कौन सा पेंडुलम स्विंग है यार साइथ क्रोनस का। साइथ क्रोनस शायद जीत जाए, और अरे वाह साइथ क्रोनस यहाँ पे जीत जाता है। तो एक बार और बस इलीगल कॉम्बो को निकाल के फैंटम ओरायन को भी डाल देते हैं आपके लिए। आपको भी थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। साइथ क्रोनस वापस कोई तो खतरनाक पैटर्न दिखा रहा है, अरे बाप रे साइथ क्रोनस को तो बाहर ही निकाल दिया यहाँ पे। मेरे हिसाब से फाइनल ड्राइव के बावजूद भी फिर अभी एक ही को जीतना है, जो है फैंटम ओरायन द किंग ऑफ स्टैमिना एंड फॉर एवर अलाइव बेबलेड। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।